आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन में, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी ये एक वीडियो ऑन करके रखी है, इन शॉर्ट से वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है, ठीक है। ये मैंने वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा है। और इसी वीडियो के सजेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो दूसरी वीडियोज है वो भी यहाँ पर शो हो रही है, जिनको मैंने रिसेंटली यहाँ पर अपलोड किया, जैसे कि ये वीडियो मैंने अपलोड की है और ये वीडियो मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपलोड की थी, 2 महीने पहले। तो मेरी ये वीडियो जो है वो इस वीडियो के सजेशन में आ रही है। तो आपको यहाँ पर अपनी ही वीडियो के सजेशन में भी अपनी YouTube वीडियोस को लेकर के आना है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपनी वीडियोस को जो अदर यूट्यूबर्स होंगे, मतलब आपके चैनल की कैटेगरी के जो अदर बड़े बड़े यूट्यूबर्स होंगे, उनकी वीडियोस के सजेशन में या फिर रिकमेंडेशन आप बोल सकते हैं, उसमें आपको अपनी वीडियोस को लेकर के आना होगा, तभी यहाँ पर आपका जो चैनल है वो ग्रो कर पाएगा। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कम सब्सक्राइबर्स होते हैं तो वीडियो को सर्च में लेकर के आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपनी वीडियोस को यहाँ पर अदर यूट्यूबर्स के सजेशन में लेकर के आना सीख जाएंगे ना, तो आपकी जो वीडियोस हैं वो भी जल्दी से वायरल होंगी, मतलब आपका चैनल भी अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पर ये तो मेरी खुद की वीडियो के सजेशन में मेरी वीडियोस दिख रही है, इसी तरीके से अदर यूट्यूबर्स की वीडियोस के सजेशन में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी वीडियोस को लेकर के आती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एसईओ स्कोर 100 कैसे करें, ये एक वीडियो है यहाँ पर टेक्निकल दौसा की, इन्होंने 1 साल पहले अपनी वीडियो को बनाया था, तो इनकी वीडियो के सजेशन में यहाँ पर मेरी वीडियो भी शो हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरी वीडियो भी यहाँ पर शो हो रही है, मैंने इस वीडियो को 4 महीने पहले ही अपलोड किया है और इसमें 13,000 व्यूज आ चुके हैं, और ये वीडियो जो है मेरी सजेशन में भी जा रही है और साथ साथ में सर्च में भी जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सजेशन में अपनी वीडियो को लेकर के जाने के लिए सबसे जो सिंपल सी ट्रिक है वो ये है, जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, एसईओ स्कोर को 100 कैसे करें। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर ये सर्च किया विडाईक्यू से एसईओ स्कोर को 100 कैसे करना है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर दिखा रहा है, ठीक है। पहले नंबर पर टेक्निकल दोषा की वीडियो दिख रही है, उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर मेरी वीडियो शो हो रही है। तो मैंने इसमें पता है क्या किया था, मैंने ये किया था कि यहाँ पर जो इस वीडियो का टाइटल है उसी सेम टाइटल को ही मैंने यहाँ पर जो है अपनी वीडियो में लगाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, एसईओ करना सीख लो, हाउ टू इंक्रीज एसईओ स्कोर इन विडाईक्यू, विडाईक्यू एसईओ स्कोर 100 कैसे करें, ठीक है। ये है इनकी वीडियो का टाइटल, और मैंने क्या किया था यही सेम टाइटल जो है अपनी वीडियो में भी लगाया था। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, एसईओ करना सीख लो, विडाईक्यू एसईओ स्कोर 100 कैसे करना है, और हाउ टू इंक्रीज एसईओ स्कोर, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर अपनी वीडियो में यही चीज करनी है, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करके देखना है, उसके बाद में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जिनकी भी वीडियो शो हो रही होंगी, ठीक है, तो जिन भी क्रिएटर्स की वीडियो यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर्स पर रैंक कर रही होंगी, आपको उन्हीं के यहाँ पर टाइटल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हैं या सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आपको जो है अपनी वीडियो में उसी सेम टाइटल को यूज करना है, ठीक है। मैंने भी इस ट्रिक को यूज किया है और इससे देखिए बहुत ज्यादा फायदा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इसी वीडियो को यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, मैंने इस टाइटल को सेम टू सेम इसी टाइटल को अपनी वीडियो में लगाया था और यहाँ पर मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला, मेरी वीडियो जो है सजेशन में भी जा रही है और साथ साथ यहाँ पर सर्च में भी जा रही है। और हाँ, इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, आपको टाइटल को तो कॉपी करना ही है, साथ साथ में यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है उसमें आपको कीवर्ड्स को भी डालना है, वो भी आपको यहीं से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे कि इनके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, ये वीडियो है इनके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर यूट्यूब रिसर्च कीवर्ड्स, ये यहाँ पर ढेर सारे कीवर्ड्स इन्होंने लगा के रखे हैं, तो ये जो कीवर्ड्स है यहाँ पर सिंपली आपको इन्हीं का जो है कुछ इस तरीके से करके स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अपनी वीडियो जो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करना है। आप एग्जैक्टली सेम टू सेम यूज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब यूट्यूब के अंदर ही आता है, आपको कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और इन्हीं की वीडियो के टैग्स को भी आप यहाँ पर अपनी वीडियो के टैग्स में भी डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस में यही चीजें करती हूँ। आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके देखना है, उसके बाद में 1, 2, 3 नंबर तक पे जिसकी भी वीडियो रैंक कर रही होगी, है ना, कुछ क्रिएटर्स की वीडियो रैंक कर रही होगी, बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर उनकी वीडियो का जो टाइटल होगा उसको कॉपी करके अपनी वीडियो के टाइटल में लगाना है, साथ साथ में यहाँ पर जो कीवर्ड्स डाले होंगे डिस्क्रिप्शन में उनको आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देना है, और यहाँ पर टैग्स को भी आप कॉपी करके जो है अपनी वीडियो के टैग्स वाला जो सेक्शन होता है उसमें लगा सकते हैं। तो टैग्स को कॉपी करने के लिए यहाँ पर आप चाहे तो टैग यू एक एप्लीकेशन होता है उससे आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, उसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना होता है, बस आपको जिस भी वीडियो के टैग्स यहाँ पर चेक करने होंगे उसका आपको यहाँ पर लिंक यहाँ पर जो है कॉपी कर लेना होगा, शेयर पर क्लिक करके आप जो है इस तरीके से शेयर पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी लिंक कर लीजिएगा, उसके बाद में जो टैग यू एप्लीकेशन होता है उसमें आप इसको पेस्ट करेंगे तो वहां पर जो है इस वीडियो के जो सारे टैग्स होंगे वो दिखने लगेंगे, तो आपको उनको वहां से कॉपी कर लेना है, उसके बाद में सिंपली आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना है। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को सजेशन में भेजने के लिए यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं
इसी वीडियो का आपको एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इनकी जो वीडियो है वो 11 मिनट 58 सेकंड की है, ठीक है, लगभग यहाँ पर 12 मिनट की वीडियो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेरी वीडियो आप देख सकते हैं 12 मिनट 53 सेकंड की है, यानी कि इस वीडियो से थोड़ी बड़ी मैंने अपनी वीडियो को बनाया है। तो आपको यहाँ पर अपनी वीडियो की जो लेंथ होगी उसको थोड़ा सा बड़ा करके रखना है, मतलब कि पहले से जिनकी भी वीडियो रैंक कर रही होंगी, जिस टॉपिक पर आप यहाँ पर अपनी वीडियो बना रहे हैं वो चीज आपको सर्च करके देखनी है, फिर जिसकी भी वीडियो यहाँ पर रैंक कर रही होंगी, ठीक है, यूट्यूब पर जिनकी भी वीडियो रैंक कर रही होंगी उनकी आप लेंथ देखिएगा। जैसे कि इस वीडियो की लेंथ यहाँ पर जो है लगभग 12 मिनट है, तो मैंने यहाँ पर 12 मिनट से ज्यादा की अपनी वीडियो को बनाया है, मैंने यहाँ पर लगभग 13 मिनट तक की वीडियो बनाई है। तो आपको यहाँ पर अपनी वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा ज्यादा करके ही रखना है। तो इससे देखिए ये फायदा होता है, जैसे इनकी वीडियो का मान लीजिए यहाँ पर जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा वो 3-4 मिनट तक का होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में इनकी वीडियो से ज्यादा एंगेजमेंट लेकर के आनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी वीडियो की लेंथ को इनकी वीडियो की जो लेंथ होगी उससे थोड़ा सा बड़ा करके ही रखना होगा, तभी यहाँ पर आपकी जो वीडियो रहेगी उसका व्यू ड्यूरेशन या एवरेज व्यू ड्यूरेशन आप बोल सकते हैं वो आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो लेंथ आपको थोड़ा सा बड़ा करके ही रखना है। ये चीज मैंने देखिए बहुत ज्यादा नोटिस करी है, क्योंकि जो मेरी छोटी वीडियोज होती है वो उतनी जल्दी यहाँ पर सर्च में या फिर सजेशन में नहीं जाती है, जो वीडियोज मैं लंबी बनाती हूँ थोड़ी सी बड़ी वीडियोज बनाती हूँ वो वीडियोज मेरी जल्दी से सर्च में भी जाती है और साथ साथ में यहाँ पर सजेशन में भी जाती है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक और वीडियो का अपनी ही एक वीडियो का एग्जाम्पल देकर के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये टॉपिक एक बनाया था, इनशॉट से वीडियो एडिटिंग कैसे करें, ठीक है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी वीडियो जो है वो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, यहाँ पर 9 मिनट 56 सेकंड की मेरी वीडियो है, ठीक है। और जो यहाँ पर इसी टॉपिक पर दूसरी वीडियो दिखा रहा है, जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पर इसमें भी काफी अच्छे व्यूज आए हैं, 3 साल पहले की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी वीडियो को देख करके फिर अपनी वीडियो को यहाँ पर क्रिएट किया था, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ा और जो फीचर्स आए होंगे उनको मैंने बताया था इस वीडियो में। तो ये वीडियो यहाँ पर देखिए 7.5 मिनट की है, मैंने अपनी वीडियो को यहाँ पर 9.5 मिनट से ज्यादा का बनाया है, लगभग मैंने यहाँ पर 10 मिनट की अपनी वीडियो की लेंथ को रखा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वीडियो यहाँ पर पहले से रैंक कर रही होंगी उनसे थोड़ी बड़ी ही आपको यहाँ पर अपनी वीडियो की लेंथ को रखना है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप इससे क्या करेंगे उनकी वीडियो की जो एंगेजमेंट रहेगी उससे ज्यादा आपकी वीडियो में एंगेजमेंट आएगी, तो YouTube खुद आपकी वीडियो को यहाँ पर सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा, अदर यूट्यूबर्स के सजेशन में भी आपकी वीडियो को भेजेगा, साथ साथ में यहाँ पर होम पेज पर भी यहाँ पर आपकी वीडियो शो होगी, मतलब जो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे उनके होम पेज पर भी आपकी वीडियो दिखेगी। तो अगर आपका नया चैनल है और आपकी वीडियो यहाँ पर सर्च में नहीं जाती है तो आप इस ट्रिक को जरूर से अप्लाई कीजिएगा, अपनी वीडियो को आप सजेशन में लेकर के आ सकते हैं, रिकमेंडेशन में लेकर के आ सकते हैं, अगर सर्च में नहीं जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन से और रिकमेंडेशन से आप यहाँ पर अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अपनी जो वीडियोस होंगी उनको आप यहाँ पर वायरल कर सकते हैं। और हाँ, आप जिस भी बड़े यूट्यूबर का जो टाइटल वगैरह होगा उसको जो आप कॉपी करेंगे उसको आप यहाँ पर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप पर लिखिएगा, ठीक है, एकदम टॉप पर ही आपको उसको पेस्ट कर देना है सिंपली, क्योंकि टॉप पर अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो देखिए यहाँ पर सजेशन वगैरह में नहीं जाएंगी, क्योंकि ऊपर की जो 2-3 लाइन्स होती है वही सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो आप यहाँ पर जो है उनकी वीडियो के टाइटल को अपनी वीडियो के टाइटल में सेम टू सेम डाल दीजिएगा और साथ साथ में उसी टाइटल को कॉपी करके आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एकदम टॉप पर लिखिएगा, ठीक है। साथ साथ में आप यहाँ पर उनके ही यहाँ पर जो चैनल होगा उसका आप यहाँ पर हैशटैग भी डाल सकते हैं, जैसे कि हैशटैग मनोज देख। तो जिस भी क्रिएटर का आप यहाँ पर टाइटल कॉपी कर रहे होंगे उसी का आप यहाँ पर हैशटैग भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, उससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें बता दी है कि आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को अदर यूट्यूबर्स के सजेशन में किस तरीके से भेजना है, साथ साथ में आपको यहाँ पर अपनी वीडियो के सजेशन में भी अपनी वीडियो जो रहेंगी, मतलब अपनी जो अदर वीडियो रहेंगी उनको किस तरीके से आप लेकर के आ सकते हैं। और एक बार अगर आप यहाँ पर अपनी वीडियोस को अदर यूट्यूबर्स के सजेशन में ले जाना सीख लेंगे तो आप यहाँ पर अपनी वीडियोस को भी अच्छे से रैंक करा पाएंगे, सजेशंस में भेज पाएंगे और साथ साथ आपका जो चैनल रहेगा वो काफी अच्छे से ग्रो करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।